गौतम बुद्ध नगर नोएडा थाना फेस टू के सुनी राम शर्मा पुत्र प्रिंस शर्मा निवासी नगला का विवाह लगभग 5 वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज के अनुसार निधि शर्मा से हुआ, परंतु विवाह के लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बाद घर की छोटी छोटी बातें जैसे कि प्रिंस की पत्नी निधि शर्मा द्वारा ससुराल के घर से अलग रहने की बात कही, जिसको लेकर प्रिंस के माता पिता ने मकान के ऊपर बने कमरों में बेटा बहू को शिफ्ट कराया, परंतु पति पत्नी की बढ़ती समस्याओं को लेकर कई बार पंचायतों ने भी मामला सुलझाया, फिर भी समस्याएं बढ़ती गईं। यहां तक कि आज दोनों के बीच गृह कलेश के चलते एक दूसरे के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, जिसको लेकर सुनीराम पुत्र प्रिंस शर्मा ने अपनी पत्नी निधि शर्मा को अपने परिवार के साथ दोनों ओर से किसी भी कानूनी कार्रवाई को न लेकर अपनी पत्नी व बच्चे के साथ रहना चाहता है। मेरा नाम प्रिंस कुमार शर्मा है, मैं नंगला गाँव का निवासी हूँ और मेरा थाना फेस टू पड़ता है। अच्छा, तो क्या मामला है आपका, बताएं। जी, मामला मेरा ये है कि मेरी शादी 2017 में नवंबर के महीने में हुई थी निधि शर्मा से। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद से थोड़े थोड़े परेशानी जैसे होती थी हमारी आपस में, जैसे हर परिवार में होती है, तो थोड़ी थोड़ी परेशानी पे उसके घर वाले आ जाते थे। अच्छा अच्छा। और हमें फिर उल्टा सीधा कहा जाता था। अच्छा। हमने फिर भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया कि चलो कोई बात नहीं, आगे सब बात बन जाएगी। उसके बाद 26/3 को लड़की हुई हमारी, जिसका नाम नैना शर्मा है। अच्छा, कितने साल बाद, मतलब शादी के? शादी के 1.5 साल बाद। जी, मैं तो चाहता हूँ कि वो रहे, लेकिन ये है कि वो कुछ करे ना उल्टा सीधा, या फिर मेरे परिवार को ना फंसाए। तो जैसे ही आपके साथ हुआ, आपने अपने थाने की सूचना दी इस बारे में, कोई तहरीर दी लिख के इस तरीके का मामला हो रहा? जी, थाने में तहरीर तो नहीं दी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस जो पंचायत हुई थी 5-6 महीने बाद, उसके चलते चलते में उन्होंने फिर उसमें फिर केस चालू हो गए फिर हम दोनों के बीच में। अच्छा, दोनों के बीच में केस चल रहा है। दोनों के बीच में केस चालू हो गए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।